कनिका और गौरी की बातों के बीच कनिका के कान पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। गौरी ने हैरानी से सामने खड़ी सुप्रिया को देखा। उसको सामने देखकर कनिका की भी आंखें बड़ी हो गई। सुप्रिया ने कनिका और गौरी की सारी बातें सुन ली थी। सुप्रिया ने गौरी को देखते हुए कहा, गौरी तीज पर इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया भी नहीं। गौरी ने कुछ नहीं कहा। फिर सुप्रिया ने कनिका से गुस्से में कहा, और तुम कनिका, तुमने भगवान के भोग को खराब करने की हिम्मत कैसे की? क्या होता अगर सबका व्रत टूट जाता और तुमने ऐसा किया क्यों? तुम भी तो व्रत थी ना उस दिन, तो तुम दूसरों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती हो? अगर हमने तुम दोनों की बातें ना सुनी होती तो हमें तो इस बारे में पता ही नहीं चलता। बताओ कनिका, क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ। कनिका गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं नहीं खराब किया था प्रसाद को, पर आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? कुछ हुआ तो नहीं ना उससे? क्या किसी का व्रत टूटा? मैंने नमक मिलाया जरूर था, पर क्या फायदा जब कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं इस गौरी ने ऐसा क्या किया कि प्रसाद बिल्कुल ठीक हो गया। गौरी ने कनिका की बातों पर जवाब दिया, नहीं हमने कुछ नहीं किया, वो तो रानी सती जिनकी वजह से सबका व्रत टूटने से बच गया। उसकी बात पर कनिका हैरानी से सुप्रिया की तरफ देखने लगी और सुप्रिया कंफ्यूज थी। उसने गौरी की बात को दोहराते हुए कहा, हमारी वजह से सबका व्रत टूटने से बच गया, पर हमने तो कुछ भी नहीं किया था गौरी, हमें तो इस बारे में पता भी नहीं था कि प्रसाद के साथ कुछ ऐसा भी है। गौरी ने उसे दोनों थाल के बारे में सब बताया, जिसे सुनकर कनिका तो हैरान थी पर सुप्रिया खुश थी। उसने गौरी के गालों पर प्यार से हाथ फेरा और फिर कनिका से दोबारा गुस्से में पूछा, तुम बताओगी कि तुमने ये सब क्यों किया? कनिका चुप थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। उसे ऐसे देखकर सुप्रिया ने कहा, ठीक है मत बताओ, अब तुमसे ये बात मासा ही पूछेगी, चलो गौरी। ये बोलकर सुप्रिया वहां से जाने लगी। मासा का सुनकर कनिका ने सुप्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं माँ, बड़ी रानी माँ को प्लीज कुछ भी मत बताइएगा, हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे माँ, प्लीज आप किसी को कुछ मत बताइएगा इस बारे में। सुप्रिया ने कनिका को देखते हुए कहा, तो फिर बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों की ऐसी गिरी हुई हरकत, जवाब दो। कनिका ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, गौरी की वजह से। गौरी ने हैरानी से कहा, हमारी वजह से? कनिका ने गुस्से में कहा, हाँ तुम्हारी वजह से, तुम ही हो जिसने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। सुप्रिया ने कनिका को रोकते हुए गुस्से से कहा, कनिका अपने गुनाह को गौरी के सर पर करने की कोशिश मत करो। कनिका ने गौरी को देखते हुए आगे कहा, देखा माँ को कैसे तुम्हारी साइड ले रही है, बस इसी वजह से किया मैंने, न जाने तुमने क्या जादू कर रखा है मेरे घर वालों पर, जिसको देखो वही तुम्हारे नाम की माला जपने में लगा रहता है, गौरी ये गौरी वो। गौरी और सुप्रिया दोनों कनिका के अंदर भरे इस जहर को देखकर हैरान थी। कनिका ने उसको देखते हुए आगे कहा, बातें तक तो ठीक भी था, पर जब पापा ने तुम्हें मेरा हिस्सा देने को कहा तब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया और मैंने ये सोच लिया कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इस घर में नहीं आने दूंगी, इसके लिए फिर चाहे मुझे जो करना पड़े। इसलिए मैंने सगाई वाले दिन रिंग्स गायब कर दी, पर कोई फायदा नहीं, तुमने धागे से एंगेजमेंट कर ली। उसकी एक एक बात सुप्रिया और गौरी को शॉक दे रही थी। उसने आगे कहा, फिर जब मैंने तीज के दिन सुना कि प्रसाद तुम्हें बनाना है तो मैंने उसे खराब करने का सोचा, जिससे सब तुमसे नफरत करने लगे। उसका ये रूप देखकर सुप्रिया का एक बार फिर कनिका पर हाथ उठ गया और उसने एक जोर का थप्पड़ दोबारा कनिका के गाल पर रख दिया। गौरी ने सुप्रिया को रोकने की कोशिश की। सुप्रिया ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं गौरी मत रोको हमें, देख रही हो इसे, तुमसे बड़ी है पर हरकतें इतनी छोटी, कनिका क्या हो गया है तुम्हें, क्या बन गई हो तुम, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा हिस्सा गौरी को दिया जा रहा है? कनिका ने गाल पर हाथ रखे हुए कहा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करिए माँ, मैंने सब सुना था कि बाबा इसे अजमेर के होटल्स की जिम्मेदारी देने को कह रहे हैं, जो उन्होंने कभी मुझे देने को कहा था, ये मेरा हिस्सा देना नहीं तो और क्या है। गौरी ये सब देखकर परेशान हो रही थी, ये हिस्से की बातें कब हुई उसे तो कुछ पता ही नहीं, अगर पता होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। सुप्रिया ने कनिका को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, बस कनिका अब एक शब्द नहीं बोलोगी तुम, अगर तुमने ये बात सुनी थी तो तुमने जाकर अपने बाबा से इस बारे में बात क्यों नहीं की, अगर कर लेती तो पता चल जाता कि तुम्हारे बाबा अकेले गौरी के बारे में नहीं सबके बारे में कितना सोचते हैं, उन्होंने क्या सोचा है तुम्हारे और वनराज के बारे में, बस उन्होंने कभी कहा नहीं क्योंकि वो वनराज के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। तुमने बिना पूरी बात जाने कितना गलत सोच लिया सबके बारे में कनिका, हमें ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। इतना कहकर सुप्रिया ने गौरी को चलने को कहा और वहां से चली गई। गौरी ने कनिका को देखते हुए कहा, दीदी अभी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है, छोड़ दीजिए इस नफरत को, इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ आपको ही होगी। इतना बोलकर गौरी भी वहां से निकल गई। रात को राठौर भवन में गौरी ने अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल खत्म की और खाने के लिए नीचे आई। हेमा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। गौरी ने उसकी मदद की। फिर हेमा ने गौरी से कहा, दीदी आप बैठो मैं मालकिन को बुलाकर लाती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगी तो गौरी ने उसे रोकते हुए कहा, हेमा दीदी आप रुकिए, माँ को हम बुलाकर लाते हैं। ठीक दीदी, तब तक मैं किचन से रोटियां ले आती हूँ। फिर गौरी वसुधा को खाने के लिए बुलाने चली गई। वो वसुधा के कमरे के बाहर आई। गौरी आवाज देने ही वाली थी कि उसे वसुधा की फुसफुसाने की आवाज आई, हमने कह दिया ना कि अब एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं देंगे, नहीं है अब हमारे पास पैसे। ये सुनकर गौरी ने एक सेकंड का इंतजार ना करते हुए वसुधा के कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर वसुधा जो फोन पर बात कर रही थी, ऐसे अचानक दरवाजा खुलने पर वसुधा घबरा सी गई। अपनी माँ को परेशान देखकर गौरी उसके पास आती हुई बोली, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? और आप फोन पर पैसों की क्या बात कर रही थी? वसुधा ने जल्दी से फोन कट कर दिया। उसने बात को बदलते हुए कहा, कुछ नहीं गौरी, बस फैक्ट्री के कुछ माल को लेकर बस एक आदमी से बात कर रहे थे। गौरी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाइए हमें दीजिए, हम बात करते हैं उसे, देखें क्या प्रॉब्लम है। वसुधा बहुत ज्यादा घबरा गई थी पर उसने बात संभालते हुए कहा, अरे गौरी छोटी सी बात है, इससे हम संभाल लेंगे, वैसे भी पूरा काम तो तुम ही देखती हो, ये छोटे काम तो हम देख ही सकते हैं। गौरी ने इस पर ज्यादा जिद नहीं की और फिर वसुधा को खाने के लिए बोला। वसुधा ने अपना फोन ऑफ कर दिया और गौरी के साथ खाना खाने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ महल में सबका खाना होने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। सुप्रिया कनिका से बात करना तो दूर उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी।
वही सब की तरह समर भी अपने कमरे की तरफ ही जा रहा था कि सामने से आ रही मायरा से टकरा गया, जिससे मायरा के हाथ में ली रिपोर्ट्स नीचे गिर गई। समर मायरा की तरफ देखते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि उसने मायरा की आंखों में आंसू देखे। समर ने उसे ऐसे देखकर पूछा, क्या हुआ मायरा, तुम रुक क्यों रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया और नीचे झुककर रिपोर्ट्स के पेपर समेटने लगी। समर भी उसकी मदद को नीचे झुका, तभी उसकी नजर एक पेपर पर पड़ी, जिसे देखते ही समर थोड़ा हैरान हुआ और उसे पढ़ते हुए बोला, मायरा तुम प्रेग्नेंट हो, कांग्रेचुलेशंस। मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर समर परेशान हुआ, उसने उसको शांत करते हुए कहा, मायरा चुप हो जाओ, क्या हुआ, रजत ने कुछ कहा क्या? मायरा ने रोते हुए कहा, आई एम सो सॉरी समर, मुझे इस बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। समर उसको कंफ्यूज सा देखता हुआ बोला, किस बारे में मायरा? मायरा ने रिपोर्ट्स को देखते हुए कहा, इस प्रेगनेंसी के बारे में। समर उसके जवाब से और भी कंफ्यूज हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मायरा क्या बोल रही है। उसने मायरा को देखते हुए कहा, मायरा तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में हमें पहले बताना चाहिए था, हम कुछ समझे नहीं। तभी वहां पर रजत ने आते हुए कहा, इस बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रेगनेंसी की वजह तुम ही हो समर। ये सुनकर तो जैसे समर के होश ही उड़ गए। उसने गुस्से में उन दोनों से कहा, ये क्या बकवास है, तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? रजत ने मायरा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे चुप रहने को कहा और फिर सभी समर के कमरे में आ गए। समर उन दोनों को गुस्से से देख रहा था। रजत ने उसके सामने आते हुए कहा, समर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो भी कहा वही सच है, ये बच्चा तुम्हारा ही है। समर ने मायरा को देखा जो अभी भी रोए जा रही थी। समर ने उसे कहा, मायरा तुम तो सब जानती हो ना, तो तुम ही से बताओ कि तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। मायरा ने रोते हुए ही कहा, समर रजत सही कह रहा है, ये बच्चा तुम्हारा ही है। ये बोलकर मायरा समर के करीब जाने लगी तो समर ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, ये सब क्या बकवास लगा कर रखा है, पहले आप दोनों ने कहा कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और अभी आप कह रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है, सीरियसली हम आप दोनों को पागल नजर आते हैं। उसका कहना ही था कि मायरा और तेज रोने लगी। रजत ने उसे देखकर समर से कहा, हमने तुमसे झूठ कहा था समर, हम दोनों कोई रिलेशनशिप में नहीं है, मायरा यहाँ तुम्हारे लिए आई थी और मैं उसका साथ देने को, पर उसने न जाने क्यों मायरा ये बात बताने में इतना घबरा गई कि मुझे ये झूठ बोलना पड़ा और फिर हमें जब तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में पता चला तो मायरा ने सच बताने से मना कर दिया। फिर मायरा ने उसकी बात को पूरी करते हुए कहा, फिर आज मुझे ये महसूस हुआ कि तुम्हें अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। समर ने उसे रोकते हुए गुस्से से कहा, बंद करो ये बार बार कहना कि ये बच्चा हमारा है, हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर ये बच्चा कैसा, इसलिए आप दोनों ये बातें बंद करिए। मायरा ने समर को देखते हुए कहा, ऐसा मत बोलो समर, ये बच्चा तुम्हारा ही है, तुम्हें शायद याद नहीं है। याद कैसे होगा, तुम इतने नशे में जो थे, तुम्हें वो पार्टी याद है ना जिस दिन तुम्हें इंडिया आना था, उसके दो दिन पहले जो पार्टी हुई थी उसमें तुम सबने कितनी ड्रिंक की थी, पता नहीं उस दिन तुम्हें क्या हो गया था और हमारे बीच वो सब। समर को भी वो रात याद थी, वो नशे में तो था पर उसके बाद क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं। मायरा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम मानो या ना मानो पर ये बच्चा तुम्हारा ही है समर, मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। ये बोलकर मायरा रोते हुए वहां से चली गई। रजत भी उसके पीछे चला गया। समर तो वहां ऐसे खड़ा था कि जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकता है। उसने गुस्से में टेबल पर रखे सभी सामान को फर्श पर गिरा दिया। उसने अपने आप से कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हमसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। फिर उसने उस रात के बारे में सोचा जब वो नशे में था। उसने अपने सर को पकड़ते हुए याद करने की काफी कोशिश की पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये बात जैसे उसे समझ ही नहीं आ रही थी, वो वहीं ये सब सोचता हुआ रूम में चक्कर लगाने लगा। समर का चेहरा गुस्से में पूरा लाल हो गया था। उसने दीवार पर गुस्से से एक जोर का पंच मारा जो उसी को लगा। उसके हाथ से खून आने लगा पर समर ने एक बार भी अपने हाथ की तरफ नहीं देखा और उसी गुस्से से गाड़ी लेकर महल के बाहर चला गया। उसको ऐसे परेशान देखकर रजत और मायरा दोनों बहुत खुश हो गए। इधर राठौर भवन में गौरी अपने कमरे में आराम से सो रही थी, तभी उसका फोन बजा। नींद में होने की वजह से गौरी ने फोन नहीं उठाया। दूसरे ही पल उसका फोन दोबारा बजा। उसके बार बार बजने से गौरी की नींद खुल गई। उसने फोन उठाते हुए अपने आप से कहा, इतनी रात को कौन है? उसने बिना देखे ही कॉल रिसीव करते हुए नींद भरी आवाज में कहा, हेलो। उधर से कोई आवाज नहीं आई। गौरी ने दोबारा पूछा, इस बार उधर से आवाज आई, गौरी बाहर आइए। गौरी इस आवाज को पहचान गई। इसको सुनते ही जैसे उसकी नींद गायब हो गई। उसने जल्दी से फोन चेक किया जिस पर समर का नाम लिखकर आ रहा था। गौरी थोड़ा हैरान हुई। उसने वापस से फोन कान पर लगाते हुए कहा, कुमार इतनी रात को आप? समर ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी और कहा, बाहर आइए गौरी। गौरी ने सवाल किया, पर कुमार इतनी रात को बाहर क्यों आना है? इस पर समर ने कहा, बस आप बाहर आइए, हम घर के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर समर ने कॉल कट कर दिया। समर की आवाज में कुछ परेशानी सी थी जिसे गौरी ने समझ लिया था। उसने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। ये देखकर उसने अपने आप से कहा, इतनी रात में कुंवर सा यहाँ क्या कर रहे हैं? गौरी बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे कदमों के साथ घर के बाहर आती है। दरवाजे पर उसे समर दिखाई नहीं देता। फिर वो नसें घुमाकर इधर उधर देखती है तो समर वहीं घर से कुछ दूरी पर ही दोनों हाथों को बांधे गाड़ी से टिका खड़ा होता है। उसे देखकर गौरी दरवाजे को हल्का सा बंद करके उसकी तरफ आते हुए पूछती है, कुंवर सा आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं और आपने हमें क्यों बुलाया है? ये बोलते हुए गौरी जैसे ही समर के पास पहुँचती है वैसे ही समर ने जल्दी से आगे बढ़कर गौरी को गले से लगा लिया। उसके ऐसे अचानक से गले लगाने से गौरी की आंखें बड़ी हो गई। उसने समर को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? समर ने उसे और कसकर गले लगाते हुए कहा, रुक जाइए गौरी,
सिर्फ कुछ देर के लिए बस ऐसे ही हमारे पास रुक जाइए। समर ने इस बात को इतना फील के साथ कहा था कि गौरी आगे कुछ कह ही नहीं पाई और चुपचाप उसके गले से लगी रही। वो आज बहुत ज्यादा परेशान था, जो गौरी को साफ नजर आ रहा था। समर अपनी आंखें बंद करके गौरी को गले से लगाए कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। गौरी ने भी इस बीच न कुछ कहा और न ही कुछ पूछा। थोड़ी देर बाद जब समर गौरी से दूर हुआ तो गौरी उसके चेहरे को गौर से देखने लगी, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रही हो। समर के अंदर की उलझन गौरी को सामने देखकर कुछ वक्त के लिए कम सी हो गई थी। तभी गौरी की नजर समर के हाथ पर पड़ी, जिस पर खून लगा था। उसने समर के हाथ को पकड़ते हुए फिक्र के साथ कहा, ये चोट कैसे लगी आपको? समर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने हाथ को देखे जा रहा था, जिसे गौरी ने पकड़ रखा था। गौरी आगे बोली, आप अंदर चलिए हमारे साथ, हम इस पर पट्टी कर देते हैं। ये सुनकर समर ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, छोटी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। अब हम चलते हैं, आपको नींद आ रही होगी, जाइए जाकर सो जाइए। ये बोलते ही वो जाने लगा तो गौरी ने वापस से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको ये चोट अपने आप ठीक होने वाली लग रही थी, और आप हमारी नींद की फिक्र मत करिए, वो तो आपने पहले ही खराब कर दी है। इस पर समर ने अपना हाथ खींच लिया और माफी मांगते हुए कहा, माफ करिएगा, हमारी वजह से आपकी नींद खराब हुई, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। गौरी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, आपका जो भी इरादा रहा हो, पर अभी हमारा इरादा आपकी पट्टी करने का है, तो जल्दी चलिए हमारे साथ। ये बोलते हुए गौरी ने दोबारा समर का हाथ पकड़ लिया। समर ने घर के अंदर जाने को मना कर दिया, जिस पर गौरी ने उसे वहीं पर रहने को कहा और खुद जल्दी से घर के अंदर चली गई। कुछ ही देर में गौरी अपने हाथों में एक बॉक्स लेकर बाहर आई। उसने समर का हाथ पकड़ा, पहले उस पर लगे खून को साफ किया और फिर उस पर पट्टी करने लग गई। वो बड़े ध्यान से समर की पट्टी कर रही थी और समर उसे देख रहा था। गौरी उससे परेशानी की वजह पूछना चाहती थी, पर इससे पहले वो कुछ पूछती समर ने उसे देखते हुए ही कहा, गौरी हम चाहते हैं कि आप अपना डांस कॉम्पिटिशन जीतें और अपने सपने को पूरा करें। उसकी इस बात को सुनकर गौरी सोच में पड़ गई। उसने समर से पूछा, हमारा सपना, इसके बारे में आपको किसने बताया? स्वरा को तो हमने मना किया है इस बारे में किसी को कुछ भी बताने को। इस पर समर ने आगे बढ़कर गौरी के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बस हमें पता है। गौरी को समर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। समर ने अपनी बात कही और वो जाकर गाड़ी में बैठ गया और वहां से निकल गया। उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखकर गौरी ने अपने आप से कहा, आज कुमार साहब इतने परेशान क्यों नजर आ रहे थे, ऐसा क्या हुआ है? उन्होंने अपनी परेशानी की वजह हमें पूछने भी नहीं दी। फिर गौरी ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं इनकी परेशानी के पीछे रजत और मायरा तो नहीं? वो ऐसे ही समर के बारे में सोचती हुई अंदर चली गई। कुछ दिनों बाद एक तरफ जहां गौरी सारे राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुकी थी, वहीं समर अपनी इस परेशानी का हल ढूंढ रहा था। सुबह समर अपनी जॉगिंग पूरी करके महल के अंदर ही आ रहा था कि बाहर खड़ी कनिका ने उसे रोकते हुए कहा, समर अपना फोन देना, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। समर ने बिना कुछ कहे उसे अपना फोन दे दिया और खुद अंदर चला गया। कनिका ने अपना कॉल किया, उसने कॉल पर सारी डिटेल समर के नंबर पर ही भेजने को कहा। कुछ देर बाद वो अपनी डिटेल को चेक करने लगी जो उसके लिए भेजी गई थी, तभी उसकी नजर एक वीडियो पर गई। उसने उस वीडियो को ओपन किया, वो गौरी के डांस का वीडियो था। वहीं अंदर गायत्री देवी ने खुश होते हुए सुप्रिया से कहा, सुप्रिया आज महागुरु जी महल आ रहे हैं। उनकी इस बात को सुनकर रुद्र प्रताप थोड़ा हैरान होते हुए बोले, महागुरु ऐसे अचानक से आ रहे हैं मासा? गायत्री देवी ने जवाब देते हुए कहा, कल हमारी बात हुई थी उनसे, उन्होंने हमें एक शुभ मुहूर्त के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद हमें समर और गौरी की शादी के मुहूर्त के लिए कहा, बस उसी सिलसिले में वो आ रहे हैं। मुहूर्त का सुनकर सुप्रिया ने पूछा, पर मासा उस दिन तो उन्होंने कहा था कि काफी वक्त तक कोई अच्छा सा मुहूर्त नहीं है, तो फिर ये अच्छा मुहूर्त कैसे? इस पर गायत्री देवी बोली, सुप्रिया ये सब तो बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी कभी अचानक से बहुत अच्छे मुहूर्त आ जाते हैं, हमारे लिए तो अच्छा है। आप वसुधा और गौरी को वक्त बनाने को बोल दीजिएगा, हम चाहते हैं कि दोनों बच्चे उनका आशीर्वाद दें। पिछली बार जब उनसे मिलने गए थे तब दोनों बच्चे यहाँ नहीं थे, तो आज जब वो घर आ रहे हो तो दोनों यही हो। सुप्रिया ने समझते हुए कहा, जी मासा। दूसरी तरफ राठौर भवन में आज गौरी का फाइनल था, पर उसे एक बेचैनी सी हो रही थी। इन कुछ दिनों में समर और उसकी कोई भी बात नहीं हुई थी, उसे समर की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो स्टूडियो जाने से पहले महल के लिए निकल गई। जैसे ही वो महल आई, उसे देखकर सुप्रिया ने खुश होते हुए कहा, अरे गौरी अच्छा हुआ आप आ गई, हम आपको बुलाने ही वाले थे। गौरी ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए पूछा, रानी साहब कोई काम था? वो समर को ढूंढ रही थी पर समर उसे कहीं नहीं दिखा। इससे पहले सुप्रिया गौरी के सवाल का जवाब देती, महागुरु जी आ गए, सभी उनका बड़े आदर से स्वागत करने लगे। समर भी नीचे आया, गौरी ने उसको देखा जो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। रजत और मायरा भी वहीं खड़े सब ध्यान से देख रहे थे। गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, समर गौरी आइए बेटा, आचार्य जी का आशीर्वाद लीजिए। समर ने गौरी को देखा और फिर आगे बढ़कर दोनों ने महागुरु जी के पैर छुए। महागुरु ने दोनों को आशीर्वाद दिया और सारे वहीं पर उनके पास बैठ गए। कुछ बातों के बाद गायत्री देवी ने शादी के लिए शुभ मुहूर्त की बात की, जिसे सुनकर समर और गौरी दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। उन दोनों के चेहरे की ये परेशानी रुद्र प्रताप ने नोटिस कर ली। रजत और मायरा भी शादी का सुनकर हैरान हो गए। गायत्री देवी के पूछने पर महागुरु ने कल के लिए बड़ा ही शुभ मुहूर्त बताया, जिसे सुनने के बाद सभी हैरान हो गए। सुप्रिया ने हैरानी से कहा, आचार्य जी कल तो बहुत जल्दी का मुहूर्त है, इतने कम वक्त पर हम क्या ही कर पाएंगे? सभी ने उनका साथ देते हुए यही कहा। गौरी और समर तो शौक में थे, कल इतनी जल्दी? समर की परेशानी और बढ़ गई, अभी तो उसे मायरा वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। सबकी बातों को सुनकर महागुरु ने मुस्कान के साथ कहा, गायत्री जी कल का मुहूर्त बहुत ही खास मुहूर्त है, जो कई सालों में एक बार आता है, इसी वजह से हमने आपको इस मुहूर्त के बारे में बताया। इस दिन बंधे जोड़े हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। उनकी बात को सुनकर गायत्री देवी कुछ सोचने लगी। वहीं रुद्र प्रताप का पूरा ध्यान समर और गौरी पर था। गायत्री देवी ने कुछ सोचने के बाद कल की शादी के लिए हाँ कर दी।
सुप्रिया तो ये सोचकर परेशान थी कि इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा। तभी उसे याद आया कि उसने वसुधा से तो बात ही नहीं की। फिर उसने थोड़ा साइड में जाकर वसुधा को भी महल आने को कह दिया और उसे कल की शादी का भी बताया। वहीं समर कुछ काम का बोलकर अपने कमरे में चला गया। उसे जाता देखकर रजत और मायरा भी उसके पीछे चले गए। गौरी ने उन दोनों को समर के पीछे जाते हुए देखा। इस तरफ समर अपने कमरे में आया। उसके पीछे आती हुई मायरा ने कुछ उदासी से कहा, समर क्या फैसला लिया है तुमने हमारे बच्चे को लेकर? समर पीछे पलटा, उसने रजत और मायरा को देखा, पर जब उन दोनों ने समर को देखा तो वो कुछ घबरा से गए। उसके चेहरे पर आज वही रौब था जो हमेशा उसके चेहरे पर होता है। उन दोनों को उसके चेहरे पर परेशानी, गिल्ट या ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जो उन्होंने सोचा था। समर ने उन दोनों को देखते हुए अपनी रौबदार आवाज में कहा, मायरा हम नहीं मानते कि हमने कोई भी ऐसी गलती की है। उसके कहते ही मायरा ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया, तो तुम ये कहना चाहते हो समर कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे ही नहीं पता कि मेरे बच्चे का बाप कौन है? क्या तुम मुझे ऐसी लड़की समझते हो? रजत ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ समर तुम मायरा के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? इस पर समर ने उसी टोन में कहा, पर हमने तो मायरा के लिए कुछ कहा ही नहीं। मायरा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तो फिर समर तुम इस बात को मान क्यों नहीं रहे कि बच्चा तुम्हारा ही है? मैंने उस दिन की सारी बातें तुम्हें बताई तो? समर ने उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहा, हम तुम्हारी बातों को कैसे मान ले मायरा, जब हमें पता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे किसी को कोई भी तकलीफ पहुंचे। मायरा ने वापस से अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि उस दिन तुम बहुत नशे में थे समर। इस पर समर ने तुरंत कहा, तो ठीक है मायरा। उसके इतना कहते ही मायरा और रजत खुश हो गए। समर ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, हम डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। उसका कहना ही था कि मायरा ने चौंकते हुए कहा, क्या डीएनए टेस्ट? रजत ने आगे कहा, ये तुम क्या कह रहे हो समर, डीएनए टेस्ट? उन दोनों को ऐसे देखकर समर ने कहा, हाँ डीएनए टेस्ट, आप दोनों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं कि जैसे हमने कुछ गलत कह दिया हो? उसके कहने पर मायरा ने रोते हुए ही कहा, समर तुम्हें इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना है तो मत करो, पर प्लीज ऐसा मत कहो। समर उसको हैरानी से देख रहा था। रजत ने मायरा की बात को पूरा करते हुए कहा, समर शायद तुम्हें नहीं पता कि मायरा की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी वजह से बेबी वीक है, ऐसे में डीएनए टेस्ट से उसको नुकसान हो सकता है। उन दोनों ने अपनी इस बात को इतने अच्छे तरीके से कहा जैसे उन्होंने इसका आंसर पहले से ही तैयार कर रखा हो। उनकी इस बात को सुनकर समर कुछ सोच में पड़ गया। मायरा ने अपना नाटक जारी करते हुए आगे कहा, समर तुम्हारे लिए बच्चा शायद इंपॉर्टेंट ना हो पर मेरे लिए है, इसलिए डीएनए टेस्ट का रिस्क मैं नहीं लूंगी। उसके कहते ही उन सब के पीछे से आवाज आई, रिस्क नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा मायरा कि ये बच्चा कुंवर सा का है भी या नहीं? सबने पीछे घूमकर देखा तो दरवाजे पर गौरी खड़ी थी। उसको देखकर रजत और मायरा दोनों एक दूसरे को देखने लगे और समर गौरी को यहाँ देखकर परेशान सा हो गया। गौरी ने अंदर आते हुए कहा, हाँ तो मायरा हम ये कह रहे थे कि डीएनए टेस्ट तो जरूरी है ना? समर ने गौरी को देखते हुए कहा, गौरी वो? गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी पलकों को झपकाकर इशारा कर दिया। इधर गौरी के ऐसे बोलने पर मायरा गुस्से से बोली, तुम्हारा मतलब क्या है गौरी, या तुम मेरी बच्ची को मारना चाहती हो? इस पर गौरी ने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, हमने ऐसा कब कहा, हम तो बस नॉर्मल सा डीएनए टेस्ट के लिए कह रहे हैं, इसमें बच्चे को मारने वाली बात कहां से आ गई? गौरी के ऐसे बोलने पर रजत ने उसे मायरा की रिपोर्ट की बात बताई, जिसे सुनकर गौरी ने कहा, ओह तो क्या मैं वो रिपोर्ट देख सकती हूँ? ये सुनकर मायरा और रजत दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर रजत ने गौरी को देखते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो रिपोर्ट लेने गेस्ट रूम की तरफ चला गया। अब कमरे में बस गौरी, समर और मायरा ही बचे थे। समर गौरी को देख रहा था तो गौरी मायरा को और मायरा गौरी को घूरी जा रही थी। उसे मन ही मन गौरी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और ये सोचकर खुश भी हो रही थी कि चलो आज गौरी और समर का रिश्ता टूट जाएगा। थोड़ी ही देर में रजत रिपोर्ट लेकर वहां आ गया। उसे रिपोर्ट गौरी को दिखाई, समर भी उस रिपोर्ट को ध्यान से देखने लग गया। गौरी ने रिपोर्ट को देखते हुए पूछा, ये तो यहाँ के हॉस्पिटल की रिपोर्ट है ना, पर आप दोनों तो लंदन से आए हैं। समर ने भी यही सवाल किया, जिस पर रजत ने कहा, हाँ वो रिपोर्ट्स मायरा वहीं भुलाई है। तो गौरी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, तो आप दोनों ने ये बात साबित करने के लिए दोबारा रिपोर्ट्स बनवाई है? गौरी के बोलने पर मायरा गुस्से से बोली, साबित करने से तुम्हारा क्या मतलब है गौरी, मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा समर का ही है। रजत ने भी उसका साथ देते हुए कहा, और ना हमने ये रिपोर्ट बनवाई है, वो तो मैं मायरा का चेकअप करवाने गया था तो कुछ टेस्ट करवाने पड़े, ये सब उसी की रिपोर्ट है। गौरी ने उन दोनों को देखा और फिर समर की तरफ देखा जो उस रिपोर्ट को देख रहा था। गौरी ने उसको देखते हुए कहा, कुंवर साहब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ये रिपोर्ट भी एक बार पढ़ लीजिए। ये बोलते ही गौरी ने अपना एक हाथ आगे कर उसमें भी फाइल को समर के सामने कर दिया। उस फाइल को देखकर रजत और मायरा कंफ्यूज हो गए। समर ने उस फाइल को देखते हुए कहा, ये क्या है गौरी? गौरी ने रजत और मायरा को देखते हुए जवाब दिया, मायरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट और असली रिपोर्ट। ये सुनकर रजत और मायरा दोनों हैरान हो गए, समर भी थोड़ा हैरान था। मायरा ने आगे बढ़कर उस फाइल को खींचना चाहा पर समर ने उसे दूर कर दिया। मायरा को ऐसे घबराता हुआ देखकर गौरी ने कहा, क्या हुआ मायरा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मायरा ने गुस्से से कहा, ये सब क्या है गौरी, ये असली रिपोर्ट का क्या मतलब, भला मेरी रिपोर्ट तुम्हारे पास क्या करेगी, तुम ये सब ड्रामा बंद करो समझी? गौरी ने उसकी बात पर कहा, ड्रामा तो तुम बंद करो मायरा। उसके कहते ही मायरा और रजत दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर गौरी ने समर को देखते हुए कहा, कुंवर साहब आपके हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट उसी हॉस्पिटल की है जहां से ये झूठी रिपोर्ट बनवाई गई है। ये बोलते हुए गौरी ने रजत वाली रिपोर्ट की तरफ इशारा किया। उसकी बातों को सुनकर समर उस रिपोर्ट को पढ़ने लगा। मायरा ने अपना ड्रामा दोबारा से शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो गौरी, क्यों ये साबित करने की कोशिश कर रही हो कि मेरी रिपोर्ट झूठी है? गौरी ने इस बात पर कहा, क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट झूठी है मायरा। रजत ने बीच में कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो समझ गया था कि उस दिन गौरी को उस पर शक हो गया था। समर ने उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आगे कहा, मायरा इस रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है, ये कैसे है? इससे पहले मायरा कुछ कहती, गौरी ने कहा, इसमें सब कुछ नॉर्मल इसीलिए है कुंवर साहब क्योंकि सब नॉर्मल ही है, वो तो इन दोनों ने जानबूझकर झूठी रिपोर्ट बनवाई ताकि डीएनए टेस्ट का कोई ऑप्शन ना हो। गौरी की बात को सुनकर समर से पहले मायरा ने गुस्से में कहा,
झूठी रिपोर्ट तुम्हारी है गौरी, हमारी नहीं। समर ने मायरा को रोकते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, मायरा गौरी कभी भी झूठ नहीं बोलती। गौरी ने आगे कहा, मायरा मेरे पास उस डॉक्टर का नंबर भी है जिसे तुम दोनों ने ये रिपोर्ट बनवाई है, कहो तो बात करवाऊं। मायरा और रजत दोनों के होश उड़ गए। मायरा ने कुछ सोचा और फिर माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो सबर, मैंने ये झूठ हमारे बच्चे के लिए ही बोला। अब तुम जैसा कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, मैं हमारे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए रेडी हूँ। समर गुस्से से मायरा और रजत को देख रहा था। गौरी ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, नहीं मायरा उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट भी लेकर आए हैं। ये सुनकर मायरा ने गुस्से में कहा, गौरी तुमने बिना पूछे मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया और कैसे किया तुमने ये सब? समर ने मायरा को रोकते हुए कहा, बहुत हो गया मायरा, बहुत देर से देख रहे हैं तुमको, तुम गौरी से ऐसे बात नहीं कर सकती। उसके बोलने पर मायरा शांत हो गई। दोनों के ही होश उड़े हुए थे, न जाने गौरी ने कब उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया और उसको पता भी नहीं चला। इधर गौरी ने अपने मोबाइल पर एक ऑडियो ऑन किया, उसके ऑडियो से रजत की आवाज आई, मायरा मायरा आज मैं बहुत खुश हूँ, बस अब समर मेरे इस बच्चे को एक्सेप्ट कर ले फिर हम दोनों यहाँ राज करेंगे। अपनी आवाज सुनकर रजत दंग था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें बाहर ही निकल आएगी। मायरा के भी होश उड़े हुए थे और समर उन दोनों को गुस्से से देख रहा था। ऑडियो आगे चला जिसमें मायरा ने कहा, धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना इस बच्चे के बारे में तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा और समर को ये बात पता चलने में देर नहीं लगेगी कि ये बच्चा उसका नहीं तुम्हारा है। गौरी ने ऑडियो ऑफ कर दिया। मायरा गुस्से से गौरी की तरफ झपटी तो समर ने उसे रोक लिया और उसे गुस्से में बोला, ऐसा करने की गलती भी मत करना मायरा, अगर तुम इस वक्त प्रेग्नेंट न होती तो पता नहीं हम तुम्हारे साथ क्या करते, और रजत तुम्हें तो हम। ये बोलकर समर उसकी तरफ बढ़ने लगा तो गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। समर ने उस हाथ को देखा और फिर गौरी को। उसके बाद उसने रजत और मायरा से कहा, तुम दोनों यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, अगर आज के बाद दोबारा हमें दिख गए तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। मायरा गौरी को ही घूरे जा रही थी, उसकी वजह से उसका प्लान जो खराब हुआ था। उसके ऐसे घूरने पर गौरी ने सरल भाव से कहा, मायरा इस वक्त जहाँ तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए वहाँ तुम उसे अपने प्लान का हिस्सा बनाकर ऐसे काम कर रही हो, शर्मानी चाहिए तुम्हें। ये सुनकर मायरा दोबारा गुस्से में गौरी की तरफ छपटते हुए बोली, गौरी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इस बार भी गौरी तक पहुंचने से पहले समर ने उसे रोक दिया और गुस्से से रजत से बोला, रजत शायद आप दोनों को अपनी आजादी पसंद नहीं है, तो ठीक है फिर। उसके कहने पर रजत डरता हुआ जल्दी से आगे आया और मायरा का हाथ पकड़कर वहां से ले गया। उन दोनों के जाने के बाद समर ने गौरी की तरफ देखा जो अभी भी उसका हाथ पकड़े खड़ी हुई थी। समर ने उसको देखते हुए कहा, थैंक यू, पर आपको ये सारी बातें और प्रूफ कहां से मिले? गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो कुंवर साहब, तीज वाले दिन से ही हमें इन दोनों का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। और फिर गौरी ने समर को हॉस्पिटल वाली बात बताई और फिर उसके बाद ये बताया कि इन सब में स्वरा ने रिपोर्ट में हमारी मदद की। ये बताकर गौरी ने कहा, अच्छा कुंवर साहब अब हम निकलते हैं। वो जाने लगी तो समर ने उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लिया। गौरी आकर उसके गले से लग गई। समर ने उसे गले लगाते हुए ही कहा, गौरी क्या आप हमारे एक सवाल का जवाब देंगी? गौरी समर से थोड़ा दूर हटते हुए बोली, पूछिए क्या पूछना है आपको? समर ने उसे देखते हुए ही कहा, आपने हमें उस दिन रोका क्यों नहीं था गौरी? उसके बोलते ही गौरी ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, कुंवर साहब आप इस बात का जवाब राजा से पूछिए, वही बताएंगे आपको। ये बोलकर गौरी वहां से जाने लगी पर समर ने दोबारा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास लाते हुए बोला, इस बात का जवाब हमें आपसे चाहिए गौरी, हम आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगी और हमें रोकेंगी पर आप नहीं आई। ये कहते हुए समर की आंखें नम थी। गौरी की आंखों में भी आंसू थे। उसने समर की आंखों में देखते हुए कहा, हमने आपको नहीं रोका इसलिए आपने हमें इतनी बड़ी सजा दी, कभी भी हमसे बात करने की कोशिश नहीं की, उस वक्त भी नहीं जब हमारे बाबा हमको छोड़कर चले गए, उस वक्त हमें आपके फोन का इंतजार था कुंवर साहब कि आप एक बार ही सही पर हमसे बात तो करेंगे, पर शायद हमने ही कुछ ज्यादा सोच लिया था। उसकी बातों को सुनकर समर ने हैरानी से कहा, आप हमारे फोन का इंतजार कर रही थी? उसके बोलने पर गौरी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी वहां पर एक नौकर आ गया और अपना सर झुकाते हुए उन दोनों से बोला, कुंवर साहब आप दोनों को बड़ी नानी साहब ने नीचे बुलाया है। यह सुनकर गौरी जल्दी से समर से दूर हुई और समर के कमरे से निकल गई। समर ने गौरी की बात को याद करते हुए अपने आप से कहा, गौरी ने ऐसा क्यों कहा कि वो हमारे फोन का इंतजार कर रही थी? इस तरफ गौरी नीचे आई, समर भी उसके पीछे आया। उन्होंने देखा सभी हॉल में बैठे उन दोनों को ही देख रहे थे। गौरी ने गायत्री देवी के पास आते हुए कहा, दादी साहब आपने बुलाया हमें? गायत्री देवी ने गौरी को देखते हुए सख्त आवाज में कहा, गौरी आज आप फाइनल के लिए नहीं जाएंगी। ये सुनकर गौरी के चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आने लगा। वही समर हैरान था, उसके मन में यही चल रहा था कि बड़ी रानी माँ को गौरी के डांस के बारे में कैसे पता चला। गायत्री देवी के गौरी को ये कहने पर कि आज वो फाइनल में नहीं जाएगी, समर हैरान हो गया और गौरी कंफ्यूज। उसने उसी कंफ्यूजन में गायत्री देवी को देखते हुए पूछा, दादी साहब हम कुछ समझे नहीं, हम फाइनल में क्यों नहीं जा सकते और आपको हमारे कंपटीशन के बारे में कैसे पता? समर भी सवाल का जवाब सुनना चाहता था कि आखिर सबको गौरी के डांस के बारे में पता कैसे चला। गायत्री देवी ने कनिका को आवाज दी। उनके बुलाने पर कनिका आगे आई और मोबाइल पर उस वीडियो को ऑन कर दिया जिसमें गौरी डांस कर रही थी। समर समझ गया कि बड़ी रानी माँ को कैसे और किसने बताया। गायत्री देवी ने गौरी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, गौरी आज के बाद आप डांस नहीं करेंगी। उनकी बातों को सुनकर समर उनसे कुछ कहना चाहता था पर गायत्री देवी ने उसे रोक दिया। रुद्र प्रताप और सुप्रिया भी बीच में बोलना चाहते थे पर उन्हें भी गायत्री देवी ने पहले ही रोक दिया था। गौरी ने सबकी तरफ हैरानी से देखा और फिर गायत्री देवी से बोली, दादी साहब हमारे डांस करने से क्या प्रॉब्लम है? ये तो हमारा सपना है जिसे हमने काफी सालों से देखा है और आज जब हम अपने सपने के इतने करीब हैं तो आप हमें पीछे हटने को कह रही हैं? क्या हम जान सकते हैं कि हम डांस क्यों नहीं कर सकते? गायत्री देवी ने उसके पूछने पर कहा,
क्योंकि हमारे राज परिवार की औरतें ये सब नहीं करती। एक कुंवर रानी को ऐसे सबके सामने नाचना शोभा नहीं देता। हमने और सुप्रिया ने भी अपने सपने को पीछे छोड़ा है गौरी, और कल आप इस रियासत की कुंवर रानी बन जाएंगी तो आपको भी अपने सपने को पीछे छोड़ना होगा। उनकी बातों को सुनकर गौरी हैरान हो गई। गायत्री देवी ने आगे कहा, अभी तक आपको हमारे ये नियम नहीं पता थे तो ठीक था, पर अब आप उस कॉम्पिटिशन के लिए नहीं जाएंगी। उनके बोलने के कुछ देर तक हॉल में शांति हो गई। सब गौरी की तरफ देख रहे थे और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद गौरी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, माफ करिएगा दादी साहब, पर हमें नहीं बनना कुंवर रानी। गौरी के ये कहते ही सब हैरान हो गए, पर समर को कोई हैरानी नहीं थी। शायद वो गौरी के इस जवाब को पहले से ही जानता था। गायत्री देवी ने हैरानी से कहा, गौरी आप? गौरी ने अपनी बात को पूरा करते हुए आगे कहा, हाँ दादी साहब, हमें नहीं बनना कुंवर रानी। ऐसी रानी जो अपने सपने को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। फिर उसने सुप्रिया को देखते हुए आगे कहा, ऐसी रानी जो अपने हक की लड़ाई ना लड़ सके। अरे जब वो खुद के लिए नहीं खड़ी हो सकती तो दूसरों के लिए क्या खड़ी होगी। उसके जवाब को सुनकर गायत्री देवी उसे हैरानी से देख रही थी, वहीं बाकी सब गौरी की इस बात से उसको सहमति से देख रहे थे। सुप्रिया भी अपनी बात कहकर गौरी अपने हाथों को जोड़ते हुए बोली, अगर हमारी बातें आप सबको बुरी लगी हो तो हम माफी मांगना चाहते हैं, पर सच यही है, हम अपने सपने को मारकर आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमारा फाइनल है और हम वहाँ जाएंगे। अगर आप सब वहाँ आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सुप्रिया ने आगे बढ़कर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, नहीं गौरी, आपने कुछ गलत नहीं कहा है। शायद इतने सालों में जो हम नहीं कह पाए वो आपने कह दिया। सुप्रिया को गौरी की तरफ होता देख कर गायत्री देवी और भी ज्यादा हैरान हो गई। उन्होंने सुप्रिया को देखते हुए कहा, सुप्रिया आप भी? सुप्रिया ने गौरी के पास खड़े होते हुए कहा, हाँ मासा हम भी, आज हम झूठ नहीं कहेंगे। आपने हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी मासा, हमें सब कुछ मिला, पर आज भी हमारे मन में एक शिकायत है कि ये सब पाने के लिए हमें अपने सपने को पीछे छोड़ना पड़ा, इसीलिए आज हम गौरी के साथ हैं। उसके कहने के बाद सभी गौरी और सुप्रिया के पास आकर उनके साथ खड़े हो गए। गायत्री देवी सबको ऐसे देखकर हैरान थी। गौरी ने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए और उनके पास बैठते हुए बोली, दादी साहब हम जानते हैं कि आपको हमारे जवाब से तकलीफ पहुंची है, जिसके लिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं, पर हमने कुछ भी झूठ नहीं कहा दादी साहब। गायत्री देवी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ये देखकर गौरी ने उनके पैर छुए और वहां से निकलने लगी। सभी गायत्री देवी की तरफ एक आस से देख रहे थे। तभी दरवाजे से तनतनाती हुई तारा अंदर आई। उसके पीछे वसुधा भी थी, जिसके चेहरे पर डर था। वो तारा को रुकने के लिए कही जा रही थी। तारा जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हुए बोली, आपको क्या लगा माँ, आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी तो क्या मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? आज मैं सबको सच बताकर ही रहूंगी। उन दोनों को देखकर गौरी रुक गई। तारा ने किसी से कुछ नहीं कहा, वो सीधे जाकर रुद्र प्रताप के सामने खड़ी हो गई। रुद्र प्रताप ने उसे देखा और फिर पीछे परेशान खड़ी वसुधा को देखते हुए कहा, क्या हुआ भाभी साहब, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? और तारा आप? वसुधा ने जल्दी से उनकी बातों को बीच में रोकते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं राजा सर, सब ठीक है। तारा बस थोड़ी सी नाराज है, कल उसकी बहन की शादी है ना, और किसी ने उसे बताया भी नहीं, पर इसको कौन समझाए कि आज ही सब तय हुआ है। ये कहते वक्त वसुधा तारा को आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा कर रही थी। गौरी उनसे थोड़ा दूर खड़ी तारा के एक्सप्रेशन को देख रही थी, जो कुछ घुला मिला सा नजर आ रहा था। वसुधा की बात सुनने के बाद रुद्र प्रताप बोले, हाँ तारा, भाभी साहब सच कह रही है, कल की शादी का मुहूर्त अभी ही निकाला गया है। वो बोल ही रहे थे कि तारा गुस्से में बोली, अंकल ये शादी इसलिए हो रही है ना, क्योंकि आपने और पापा ने दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था। रुद्र प्रताप को तारा की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तारा के बोलते ही वसुधा के चेहरे का डर बढ़ गया। उसने तारा को रोकते हुए कहा, इन सब बातों को अभी करके क्या मतलब तारा, चलो हमारे साथ आओ। ये बोलकर उसने तारा का हाथ पकड़ा तो तारा ने उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में कहा, मतलब है माँ, क्योंकि जिस वजह से शादी हो रही है वो वजह ही गलत है। उसके कहने पर सब कंफ्यूज होकर तारा को देखने लगे। रुद्र प्रताप ने उसे देखते हुए कहा, आपकी बातों का मतलब क्या है तारा, हम कुछ समझे नहीं। तारा ने कुछ कहने को अपना मुंह खोला ही था कि वसुधा ने उसे रोकते हुए रुद्र प्रताप से कहा, राजा साहब आप भी क्या इसकी बातों में मतलब ढूंढने लग गए, ये तो कुछ भी बोलती है। तभी गौरी जो काफी टाइम से तारा को ही देखे जा रही थी, उसने उसके पास आते हुए वसुधा से कहा, माँ तारा को बोलने दीजिए, वो कुछ कहना चाहती है। तारा ने गुस्से से गौरी को देखते हुए रुद्र प्रताप से कहा, अंकल आपने पापा को ये वचन दिया था ना कि आप समर की शादी उनकी बेटी से करवाएंगे, तो फिर तोड़ दीजिए शादी, क्योंकि गौरी उनकी बेटी नहीं है, उसका कोई रिश्ता नहीं है मेरे पापा से। तारा के कहते ही गौरी ने उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे हॉल में सुनाई दी। सब हैरान थे और वसुधा उसके तो होश उड़े हुए थे, जैसे उसका कोई राज सामने आ गया हो। तारा ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए गुस्से में गौरी से कहा, तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? गौरी ने उसे देखते हुए गुस्से में कहा, बस तारा अब एक शब्द नहीं, बहुत देख लिया आपका, अब बस आज तो आपने हद कर दी। तारा ने गौरी को रोकते हुए कहा, हद नहीं है गौरी, सच बताया है, जो कड़वा तो है पर सच है, तुम गौरी राठौर नहीं हो, कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुमसे, और जब तुम राठौर हो ही नहीं तो फिर तुम्हारी शादी समर से कैसे हो सकती है? वचन के मुताबिक समर की शादी वीरेंद्र राठौर की बेटी के साथ होना है, जो मैं हूँ ना कि तुम। उसके कहने पर रुद्र प्रताप को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से वसुधा को देखते हुए कहा, ये सब क्या है भाभी साहब, तारा की बातों का क्या मतलब है, आप चुप क्यों खड़ी हैं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं, पता नहीं क्या बोले जा रही हैं ये। वसुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, उसके चेहरे का पसीना ये बताने के लिए काफी था कि तारा की बातों में कुछ तो सच्चाई है। वहीं खड़ा समर वो भी इस बात को सुनकर हैरान था और गौरी को देखे जा रहा था, जो वसुधा की तरफ देख रही थी, वो अपनी माँ के बोलने का इंतजार कर रही थी। तभी तारा ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, आप सब ऐसे हैरान मत होइए, मैं सच कह रही हूँ, गौरी मेरी बहन नहीं है, क्योंकि माँ ने उसे जन्म नहीं। रुद्र प्रताप ने तारा को हाथ दिखाकर रोक दिया और वसुधा के पास आते हुए अपनी कड़क आवाज में कहा, सच क्या है भाभी साहब, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, तारा जो कह रही है वो सब क्या है? वसुधा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रुद्र प्रताप की ओर देखे, इसीलिए उसने नजरें नीची रखते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, वो राजा साहब
ओह, अपनी माँ को ऐसे लड़खड़ाता देखकर गौरी घबराने लगी। वसुधा ने आगे कहा, तारा सच कह रही है, गौरी हमारी बेटी नहीं है। उसके कहते ही गौरी पीछे गिरने को हुई तो समर ने पीछे से आकर उसे संभाल लिया। वसुधा की बातें सुनकर सब हैरान थे, गायत्री देवी भी। रुद्र प्रताप ने एक नजर गौरी की तरफ देखा और फिर वसुधा से बोले, भाभी साहब क्या कह रही है, एक बार जरा गौरी बिटिया को देखिए, उनकी हालत देखिए, आपकी ये बात उन्हें कितना तोड़ देगी शायद आपको नहीं पता। वसुधा ने गौरी की तरफ नहीं देखा। अब तक शांत बैठी गायत्री देवी ने अपनी तेज आवाज में कहा, वसुधा ऐसे चुप मत रहो, हमें पूरी बात जाननी है, बताओ सबको सच क्या है। उनके गुस्से से वसुधा डरते हुए बोली, वो जब राजा सर ने वीरेंद्र जी से शादी की बात की उस समय हमें शाही परिवार का लालच आ गया, पर उस समय हम मां नहीं बन पा रहे थे, इसीलिए हमने छूटी प्रेगनेंसी का नाटक किया और गौरी को घर ले आए, उसे अपनी बेटी बनाकर। पर उसके घर आने के एक साल बाद ही हमें तारा के आने की खुशखबरी मिल गई। गौरी वसुधा के मुंह से ये सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। गायत्री देवी ने गुस्से में वसुधा से पूछा, क्या ये बात वीरेंद्र को पता थी। वसुधा ने कोई जवाब नहीं दिया तो गायत्री देवी ने तेज आवाज में दोबारा कहा, क्या वीरेंद्र को ये बात पता थी वसुधा। वसुधा ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, हाँ, उनको जब ये बात पता चली तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया जिससे उनकी मौत हो गई। उसकी इस बात को सुनकर गौरी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने वसुधा को देखते हुए कहा, इसका मतलब आपने हमसे झूठ कहा था, यही कि बाबा को हार्ट अटैक आने का कारण राजा सा थे, पर सच तो ये है कि उनकी मौत की जिम्मेदार आप थी। गौरी की बात को सुनकर रुद्र प्रताप और हैरान हो गए। आज उन्हें गौरी की नफरत की वजह पता चली। गौरी के सवाल पर वसुधा ने कुछ नहीं कहा। तभी समर आगे आता हुआ वसुधा को देखता हुआ बोला, इसका मतलब आपने हमसे भी झूठ कहा था। ये सुनकर सभी समर की तरफ देखने लगे। जब वसुधा ने कुछ नहीं कहा तो समर समझ गया कि उससे भी झूठ बोला गया है। ये सब देखकर तारा ने आगे आते हुए कहा, अंकल अब तो आपको यकीन हो गया ना कि गौरी वो नहीं है जिसके साथ आपको समर की शादी करनी थी, वो तो मैं हूँ, इसलिए कल समर के साथ मेरी शादी होनी चाहिए। रुद्र प्रताप ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और वसुधा को देखते हुए बोले, क्या आपने इसे पूरा सच नहीं बताया है, कैसे बताएंगी, आपने सबसे आज तक झूठ ही कहा है, पर कोई बात नहीं, हम सच बता देते हैं। ये बोलकर उन्होंने तारा को देखते हुए कहा, तारा आपको आपकी माँ ने पूरा सच नहीं बताया है। तारा ने वसुधा की तरफ देखते हुए पूछा, कैसा सच। रुद्र प्रताप बोले, यही सच कि हमने कहा तो था वीरेंद्र की बेटी और अपने समर की शादी की बात, पर वीरेंद्र ने इस बात को मना कर दिया था। उन्होंने हमसे कहा था कि वो इन बच्चों को अभी से ऐसे कोई भी बंधन में नहीं बांधेंगे जिसका आगे चलकर बच्चों को दुख हो, अपनी शादी का फैसला बच्चे ही करेंगे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वीरेंद्र और हम दोनों इस बात को समझ गए कि गौरी और समर एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्यों मासा, आपको याद है ना वो आग वाला हादसा। आग वाले हादसे का सुनकर गौरी और समर वो दोनों उस याद में चले गए जब वो दोनों उस हादसे में फंसे थे। सब तरफ आग फैली हुई थी और उस आग के अंदर गौरी फंसी हुई थी। बाहर सभी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वीरेंद्र राठौर अपनी छोटी सी गौरी को आग में फंसा देखकर उसे बचाने के लिए आग की तरफ भागने लगे, पर रुद्र प्रताप ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो वीरेंद्र, ऐसे में आप ही फंस जाएंगे, हमें गौरी को बचाने के लिए पीछे वाले दरवाजे से जाना चाहिए। वीरेंद्र को इस वक्त सिर्फ अपनी बच्ची को आग से निकालना था, इसीलिए उन्होंने जिद नहीं की और रुद्र प्रताप की बात मान ली। पर इसी बीच किसी का अपने ऊपर ध्यान न देकर समर चुपके से उस हवेली के अंदर चला गया। उसे अंदर जाता देखकर सब और परेशान हो गए। सबने उसे रोकने की कोशिश की पर तब तक समर अंदर जा चुका था। इधर समर जब अंदर आया तो देखा गौरी एक मेज के नीचे छुपी हुई बैठी थी। समर को देखकर जैसे गौरी का डर गायब हो गया हो, वो जल्दी से मेज के नीचे से बाहर आई और समर से आकर लिपट गई। समर ने उसे देखते हुए फिक्र के साथ पूछा, गौरी आप ठीक तो है ना। गौरी ने अपनी मासूम सी आवाज में कहा, हम ठीक है समर, पर हमें बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ से बाहर तो निकल पाएंगे ना। समर ने उसे समझाते हुए कहा, डर किस बात का गौरी, हम है ना, आपको कुछ नहीं होगा और देखना हम दोनों यहाँ से अभी बाहर निकल जाएंगे। उधर वीरेंद्र और रुद्र दोनों पीछे वाले दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की पर वो दरवाजा नहीं खुला। रुद्र प्रताप ने अपने आदमियों को वो दरवाजा तोड़ने को कहा। उनके आदमियों ने कुछ ही देर में वो दरवाजा तोड़ दिया। आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। तभी एक आदमी ने आकर बताया, हुकुम साहब, कुंवर साहब भी गौरी बिटिया को बचाने हवेली के अंदर चले गए हैं। ये सुनकर वीरेंद्र और परेशान हो गए पर रुद्र प्रताप को उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी सामने के दरवाजे से तेज आवाजें आने लगी। रुद्र और वीरेंद्र दोनों इस तरफ भागे। उधर जाकर देखा तो समर और गौरी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आग से बचकर बाहर ही आ रहे थे। चलते वक्त समर ने देखा कि ऊपर से आग से लिपटा कुछ गिरने वाला है तो उसने गौरी को जल्दी से बाहर की तरफ धक्का दे दिया। गौरी बाहर आ गई थी पर समर अंदर ही फंस चुका था। सब गौरी के लिए भागे पर गौरी समर को अंदर फंसा देख कर वापस से अंदर चली गई। फिर रुद्र प्रताप और वीरेंद्र ने एक दूसरे को इशारा किया और वो दोनों भी दोनों बच्चों के लिए अंदर चले गए। रुद्र प्रताप के आदमी आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में वो दोनों बच्चों को बाहर लेकर आ गए। तभी रुद्र प्रताप की आवाज से गौरी और समर दोनों उस याद से बाहर आए। समर रुद्र प्रताप की तरफ देखने लगा। रुद्र प्रताप ने तारा को आग वाली पूरी बात बताई और फिर कहा, उस दिन हमें और वीरेंद्र को ये यकीन हो गया कि गौरी और समर एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमने इनकी शादी का फैसला किया, पर उस दिन जो फैसला हुआ था वो ये था कि समर की शादी गौरी के साथ होगी। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि समर की शादी वीरेंद्र की बेटी के साथ होगी। रुद्र प्रताप ये कहने के बाद गौरी को देखने घूमे पर वहाँ उसे ना देखकर वो हैरान होते हुए गौरी को वहां ना देखकर सब हैरान हो गए। रुद्र प्रताप ने परेशानी भरी आवाज में समर से कहा, समर जाकर देखिए गौरी कहां गई है, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी, इस वक्त उन्हें किसी के साथ की जरूरत है। समर भी गौरी के लिए परेशान था। उसने रुद्र प्रताप को देखते हुए कहा, बाबा साहब आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं उन्हें। ये बोलते ही समर जल्दबाजी में वहां से चला गया। वसुधा अपना सर झुकाए वहां चुपचाप खड़ी थी। वहीं तारा ये सोचकर परेशान थी कि उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। गौरी की सच्चाई जानने के बाद भी किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। ये लोग अभी भी गौरी की फिक्र ही कर रहे हैं। वहीं गायत्री देवी की आंखें नम थी। आज जो सच्चाई गौरी के सामने ऐसे आई थी उसे देखकर उन्हें भी गौरी की फिक्र हो रही थी।
पर जैसे ही उनकी नजर वसुधा पर गई तो उन्होंने ताना और वसुधा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आप दोनों अभी भी यही खड़ी हैं? रुद्र, कह दो इनसे कि आज के बाद अगर इन दोनों में से किसी ने भी महल में कदम भी रखा तो हम भूल जाएंगे कि इनसे कभी हमारा कोई रिश्ता था। ये सुनकर रुद्रदा भी उन दोनों की तरफ देखने लगे, पर वो अपनी दोस्ती की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे थे। जो भी हो, थी तो ये वीरेंद्र की फैमिली। गायत्री देवी की बातों को सुनकर वसुधा ने ताना का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। उसको जाता देखकर गायत्री देवी ने उसे रोकते हुए कहा, जाते हुए एक बात सुनती जाइए वसुधा, गौरी कल भी इस घर की बच्ची थी और आगे भी रहेगी, इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि सच बाहर आने के बाद वो अकेले पड़ गई है। हम सब आज भी उनका परिवार है और वो आज भी वीरेंद्र की ही बेटी है। वसुधा ने इस पर कुछ नहीं कहा, कहती भी क्या, उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। उसकी अपनी बेटी नहीं, उसका सालों पुराना राज जो सबके सामने रख दिया था। उनकी बातों को सुनकर वो एक सेकंड भी वहां नहीं रुकी और ताना को लेकर वहां से चली गई। अब ताना को अपने किए पर अफसोस हो रहा था। उनके जाने के बाद गायत्री देवी की आंखों में रुके आंसू गिरने लगे। उन्हें रोता देखकर रुद्रप्रताप और सुप्रिया दोनों उनके पास आए। सुप्रिया ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वहीं रुद्रप्रताप उनके पास बैठकर उन्हें शांत करने लगे। गायत्री देवी ने अपनी भरी हुई आंखों के साथ कहा, न जाने क्या गुजर रही होगी बच्ची, जो हर कदम पर मजबूती से खड़ी रहती है, आज उन्हें हमने टूटते हुए देखा है। रुद्र जाइए, देखिए कहां गई है वो, इस वक्त उन्हें किसी अपने के सहारे की जरूरत है। उनको इसे देखकर रुद्रप्रताप ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, बासा समझ गए हैं गौरी के पीछे, आप परेशान न हो, हमने वीरेंद्र को वचन दिया था गौरी का ख्याल रखने का, हम अपनी गौरी को ऐसे टूटने नहीं देंगे, आखिर वो हमारी बच्ची है। वहीं स्टूडियो में आज फाइनल की सारी तैयारी हो चुकी थी। शो कुछ देर में स्टार्ट होने वाला था। सभी कोई वहां पहुंच चुका था। स्वरा दरवाजे के पास खड़ी गौरी का इंतजार कर रही थी। उसने वहीं दरवाजे के पास लगे गौरी के बड़े से बैनर को देखते हुए कहा, कहां हो गौरी तुम, ना ही फोन उठा रही हो और ना ही खुद कॉल कर रही हो, फाइनल शुरू होने वाला है, कब आओगी तुम? तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी। स्वरा को लगा गौरी आ गई, वो दौड़ते हुए उसके पास आई और उसने गौरी को आवाज देते हुए कहा, गौरी तुम आ? वो कहते कहते रुक गई क्योंकि गाड़ी से गौरी नहीं अर्थ बाहर आया। उसे देखकर स्वरा ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम, मुझे लगा गौरी आ गई, वैसे तुम यहां क्या कर रहे हो? ओह, फाइनल देखने आए हो ना? अर्थ के चेहरे पर परेशानी थी। उसने स्वरा की बातों का जवाब नहीं दिया और गाड़ी का दरवाजा बंद करके उसके पास आते हुए बोला, स्वरा एक प्रॉब्लम हो गई है। उसके परेशान चेहरे को देखकर स्वरा ने पूछा, क्या हुआ अर्थ? उसके बाद अर्थ ने स्वरा को महल में हुई सारी बात बताई, जिसे सुनकर स्वरा भी हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गौरी की लाइफ में इतनी देर में इतना कुछ कैसे हो गया। उसने परेशानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अर्थ को भी यह सब सुनकर उतनी ही तकलीफ हुई थी। स्वरा ने उसे गौरी की फिक्र करते हुए पूछा, गौरी कहां है अर्थ? इस पर अर्थ ने अपनी गर्दन ना हिलाते हुए कहा, नहीं पता मुझे, समझ मुझे यहां पर फाइनल को तब तक रोकने के लिए भेजा है जब तक वो गौरी को यहां लेकर नहीं आ जाता। अर्थ की बात पर स्वरा ने परेशान होते हुए कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बोलोगे फाइनल रुक जाएगा, इतना आसान नहीं है इसे रोकना। इस पर अर्थ ने कहा, तुम बस देखते जाओ कि मैं कैसे रोकता हूँ इस फाइनल को, बस तुम मुझे ये बताओ कि जज कहाँ है शो के। उसके कहने पर स्वरा ने कहा, क्या करने वाले हो तुम? तभी स्वरा के पीछे से आती हुई राशि ने कहा, हे स्वरा, तुम आज अकेले? स्वरा ने मुंह बनाते हुए कहा, बस इसी की कमी थी। राशि स्वरा के सामने आती हुई बोली, क्या बात है स्वरा, तुम आज यहाँ अकेले? गौरी कहाँ है? कहीं वो डर तो नहीं गई मुझसे हारने का सोचकर? उसकी बात पर स्वरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राशि जी, आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ा रही है, मेरी मानो तो थोड़ा नीचे आ जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इतनी ऊंचाई से गिरने में तुम्हारे पंख ना बचे। स्वरा का बेधड़क जवाब सुनकर अर्थ मुस्कुराने लगा, पर राशि का मुंह बन गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी पर सामने से पुनीत को आता देखकर वो शर्माने लगी और उसे हेलो बोलकर वहां से चली गई। पुनीत ने स्वरा के पास आते हुए पूछा, क्या हुआ स्वरा, गौरी कहां है? फाइनल शुरू होने वाला है, वो अब तक आई नहीं क्या? स्वरा ने उसे सिर्फ इतना ही बताया कि गौरी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से उसे आने में देर हो रही है। फिर स्वरा ने पुनीत को फाइनल रोकने की बात ही बताई, जिसे सुनने के बाद पुनीत फाइनल को कुछ देर रोक कर रखने में उनकी मदद करने को तैयार हो गया। स्वरा को पुनीत से हंसते हुए बात करता देखकर अर्थ को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी उसे समर का दिया काम करना था। उधर समर ने अपने आदमियों के साथ गौरी को हर जगह देख लिया था, पर गौरी कहीं नहीं मिल रही थी। मौसम भी सही नहीं था, तेज बारिश हो रही थी जिससे गौरी को ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। समर ने सिराज को और अच्छे से गौरी को हर जगह देखने को कहा और खुद वहीं बारिश में भीगता हुआ परेशान होकर गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। उसे अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप से कहा, कहां चली गई हैं आप गौरी, आपसे बहुत कुछ कहना है हमें। तभी अचानक से समर को एक जगह की याद आई। उस जगह की याद आते ही वो जल्दी से गाड़ी में बैठते हुए बोला, अगर हमने सही सोचा है तो आप पक्का हमें वहीं मिलेंगी। ये बोलते ही समर ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में उस जगह की तरफ बढ़ गया। वहीं इतनी बारिश के बीच गौरी झील के किनारे बैठे बस रोई जा रही थी। बिजली बहुत तेज से चमक रही थी। गौरी को न तो बिजली का डर था न तूफान का, शायद इससे भी बड़ा तूफान उसके अंदर चल रहा था। रो रोकर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी पर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बस रोई जा रही थी। बार बार उसके कानों में वसुधा और तारा की ही बातें सुनाई दे रही थी, गौरी हमारी बेटी नहीं है, हमने गौरी को जन्म नहीं दिया है, गौरी इस घर की बेटी नहीं है। ये सुनने के बाद वीरेंद्र इस बात को सह नहीं पाया और इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। यही सारी बातें गौरी के दिमाग में चल रही थी। उसने अपने कानों पर हाथ रखते हुए तेज आवाज में कहा, बस करिए आप लोग, अब हमें कुछ नहीं सुना है, सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, हम हमारे बाबा की बेटी है, वो सब झूठ है, कुछ सही नहीं है, आप दोनों झूठ बोल रही है, कुछ सही नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बोलते ही गौरी और जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से बह रहे आंसू का हाल बयां कर रहे थे कि वो कितने दर्द में है। वो अपना चेहरा छुपाए बस रोई जा रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। गौरी ने अपने आंसू पोंछे और पीछे पलटी। अपने पीछे समर को देखकर गौरी ने जो आंसू रोके थे वो दोबारा से बहने लगे। उसको अपने सामने देखकर गौरी समर के गले से लग फूट फूट कर रोने लगी। समर ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज उसकी ऐसी हालत देखकर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गौरी को कभी भी इस हालत में नहीं देखा था। उसको यूं टूटा हुआ देखकर समर भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। पर इस वक्त उसे सबसे पहले गौरी को संभालना था, इसीलिए वो गौरी को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से गौरी के चेहरे को पकड़ा और उसके आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, बस गौरी बहुत रो लिया आपने, अब बस हम समझ सकते हैं इस वक्त आप पर क्या बीत रही है, पर आप ऐसे टूट नहीं सकती। गौरी ने अपनी भरी हुई आवाज से उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नहीं कुंवर सा, आप नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता हमारा दर्द। आज जिंदगी ने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमारा पूरा अस्तित्व ही मिट गया है। हम कौन है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा किसी से। उसका इतना कहना ही था कि समर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। उसके अचानक ऐसे करने पर गौरी चुप होकर उसकी आंखों में देखने लगी। समर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने ऐसे कैसे कह दिया गौरी कि आपका कोई रिश्ता नहीं है किसी से? हम मानते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, पर हमारे रिश्ते पर उसका कोई असर नहीं होगा। वो रिश्ता जो अकेला हम दोनों का था बचपन में वो वैसा ही रहेगा। आपका किसी के साथ कोई रिश्ता हो ना हो, पर हमारे साथ आपका रिश्ता हमेशा रहेगा, हमेशा। गौरी कुछ बोलने लगी पर कुंवर समर ने उसे शांत करते हुए कहा, बोलने दीजिए हमें, वरना पता नहीं फिर कभी बोल पाएंगे या नहीं। गौरी शांत होकर समर की आंखों में देखने लगी। समर ने आगे कहा, उसे हमें ना रोकने का कारण तो हम नहीं जानते, पर जब आप नहीं आए तो हम आपको बता नहीं सकते कि हमें कैसा लगा था। हम आपसे बहुत गुस्सा थे, बहुत ज्यादा, इसलिए जब आपका फोन आया था तब हमने आपसे बात नहीं की। समर बोले जा रहा था और गौरी चुपचाप उसकी बातों को सुनी जा रही थी। समर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, पर फिर जब हमें महसूस हुआ कि हम आपसे बात किए बिना नहीं रह पाएंगे तब हमने आपको फोन किया, एक बार नहीं कई बार किया, पर हर बार वसुधा आंटी हमें यही बोलती कि आप हमसे बात नहीं करना चाहती। हमने बहुत कोशिश की पर बार बार यही होता और फिर हमारे अंदर आपके लिए गुस्सा बढ़ता गया।
उसकी बात सुनकर गौरी हैरान थी। यहाँ भी वसुधा ने उसे झूठ बोला। वो सारी बातें जो वसुधा ने रुद्र प्रताप और समर के बारे में कही थी सब झूठी थी, और उन बातों की वजह से उसने रुद्र प्रताप और समर के साथ कितना गलत व्यवहार किया। यही सोचकर एक बार फिर गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। समर अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसुओं को पोंछने लगा। तभी उसका फोन बजा। समर ने जल्दी से फोन उठाते कहा, अर्थ बोलो, सब कुछ मैनेज कर लिया है आपने? उधर से अर्थ ने परेशानी भरी आवाज से कहा, हाँ समर, पर तुम्हें जल्दी भाभी साहब को यहाँ लेकर आना होगा, और तो सब मैनेज हो गया है, बस ऑडियंस की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। ये सुनकर समर ने फोन रख दिया और गौरी का हाथ पकड़ते हुए बोला, गौरी आप चलिए हमारे साथ। गौरी ने अपनी भरी आवाज में हैरानी से पूछा, कहाँ? इस पर समर ने जवाब दिया और कहा, आज आपका फाइनल है ना, तो वहीं चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। समर के कहते ही गौरी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं कुमार साहब, अब हमसे नहीं होगा। ये बोलकर वो समर से दूर जाकर खड़ी हो गई। समर समझ रहा था कि गौरी क्यों ना कर रही है, इस हालत में गौरी तो क्या कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो गौरी के पास आते हुए बोला, गौरी आप उसके लिए बना कर रही हैं जिसके लिए आज आप बड़ी रानी मां के खिलाफ हो गई थी। उसके कहते ही गौरी अपनी भरी आंखों से समर को देखने लगी। समर ने उसे देखते हुए आगे कहा, ये तो आपका सपना था ना, आज वही सपना आपका इंतजार कर रहा है, और आप पीछे हट रही हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपके नाम पर कई सवाल उठे हैं, पर आपने इस सपने में जो अपना नाम बनाया है ना, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। आपको याद है ना एक बार आपके बाबा ने हम दोनों से क्या कहा था? गौरी कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस समर को देखे जा रही थी। समर ने उस बात को याद करते हुए कहा, उन्होंने कहा था हमसे कि परेशानियों से हमेशा वही जीतता है जो उससे लड़कर आगे बढ़ता है, वो नहीं जो उससे डरकर शांत बैठ जाता है। जीत हमेशा सामना करने वाले की होती है। उसके बोलने पर गौरी को भी अपने बाबा की कही बात याद आ गई। जब उसके बाबा ने ये बात समर और गौरी दोनों को समझाई थी, उस याद को याद करते हुए गौरी ने अपने आंसू पोंछे। अभी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को इस परेशानी से सामना करने के लिए तैयार कर लिया हो। उसको ऐसे देखकर समर ने आगे बढ़कर गौरी का चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से उसके फोरहेड पर किस किया, और फिर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, गौरी हम आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं, इस परेशानी से भी और अपने सपने को भी। ये बोलकर उसने आंखें बंद की और अपने माथे को गौरी के माथे से लगा दिया। गौरी ने भी अपनी आंखें बंद कर दी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी बल्कि इसका सामना करेगी।